विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए थाना छप्पर में पुलिस द्वारा नाका लगाकर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग और सभी वाहन चालकों को नियमों के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि चेकिंग के दौरान अगर कोई भी गलत सामान मिलता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया, चुनावों को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं, जो हमारे सीनियर अफसर हैं वह सभी बूथों को चेक करके गए हैं। थाना छप्पर पुलिस द्वारा दो नाके लगाए गए हैं। वहीं उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि सभी शांति व्यवस्था बनाए रखें। किस लिए चेकिंग की जा रही है? इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए हमने दो नाकाबंदी की हुई है। कुलचंद वहाँ हमारा परमानेंट नाका लगता है और आज हमने यहाँ मुस्ताबाद चौराहे पर नाका किया और प्रत्येक आने वाले व्हीकल को हम चेक कर रहे हैं। अगर कोई अवांछित पदार्थ मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सर, ये जो चुनावों के मद्देनजर कितने जो क्षेत्र में नाके लगाए गए हैं और कितनी फोर्स तैनात की गई है सर? कल हमने प्रत्येक गांव में फ्लैग मार्च किया था और लगभग हमारे पास 40 के लगभग जवान आए हुए थे और हमने दो जगह नाकाबंदी की हुई है। एक कुलचंद गांव है, वहां हमारा परमानेंट नाका लगा हुआ, क्योंकि वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट की सीमा से एडजस्ट है, इसलिए वहां नाकाबंदी अति आवश्यक है। वहां हमने नाकाबंदी की हुई है और एक हमारा पंचतीर्थ है, वहां भी हमने नाकाबंदी की हुई है। तो सर, जैसे चुनावों में यहाँ पे कितने अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं? यहाँ हमारे वल्नेबल 3 बूथ्स हैं और उनको हमने अच्छी तरह से मेंटेन कर रखा है और मोस्टली हमारा विजिट भी हो चुका है तीनों बूथों पे जो वल्नेबल बूथ्स हैं। और भविष्य में कौन कौन से बूथ हैं सर? हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में कलावड़ और गाँव दूसरा सारण एंड सरस्वती नगर। तो उन बूथों के लिए प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए सर? मैक्सिमम हमें फोर्स डिप्लॉयमेंट किया है और ऑलरेडी हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने भी विजिट किया है। ठीक है, तो आप जैसे इलेक्शन के लिए लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? लोगों से मेरी यही अपील है कि चुनाव में शांति का योगदान दें और चुनाव ये एक महापुरोह है, उसको सफल बनाएं।